इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम तो आप सबने सुना ही होगा, लेकिन गाइस ये आज ऐसा दिखता है। लेकिन आपने कभी ये सोचा कि ये पहले कैसा दिखता होगा जब ये स्टार्टिंग में बना था? तो इसलिए आज हम लोग खेलने जा रहे हैं इस गेम के सबसे पुराने वर्जन गाइस, और देखते हैं उसमें क्या क्या चीजें थी। तो उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे नए हो मेरे तो सब्सक्राइब बटन को दबा दो। चलते हम लोग सबसे पहले वर्जन की तरफ। तो ये है इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D का सबसे पहला वर्जन, और ये बिल्कुल ही अलग है गाइस। अभी जो मैप है, जो कैरेक्टर है, जो कंट्रोल्स है, इससे पूरा अलग बनाया था ये। पता नहीं मुझे फिर चेंज क्यों कर दिया इसको, क्योंकि ऐसे में भी ये अच्छा ही लग रहा था। तो हमारे पास अभी क्या है? एक्टिंग है। हमारे पास सिर्फ एक जॉयस्टिक है, एक भागने का बटन है और कैमरा चेंज करने का बटन है बस। सामने एक बाइक खड़ी है जो कि मुझे अपाचे लग रही है शायद से, इसके पीछे इंडिया जरूर लिखा है। तो यही फिर कंटिन्यू किया गया कि इंडियन बाइक से रखा जाएगा। इधर एक ब्लू सर्कल है जिसमें प्ले का ऑप्शन आ रहा है, तो जैसे ही मैं प्ले दबाऊंगा हम लोग शायद किसी मोड में चले जाएंगे। ओके गाइस, तो जो मेगा रैम चैलेंज है वो पहले ऐसे आता था कि आपको एक सर्कल मिलेगा, फिर वहां पे आपको प्ले दबाना है। अब बाइक में देखो लाइट का ऑप्शन भी, पहले की लाइट लेकिन अलग थी, और अगर आप बिल्डिंग देखोगे ना तो अभी की बिल्डिंग भी कुछ ऐसी ही है, बस थोड़ी सी अलग है। तो इधर हर जगह ना ऐसे ही सर्कल बनाए गए गाइस। ये देखो यहाँ पे भी एक ऐसी सर्कल है, यहाँ पे मैं प्ले दबा देता हूँ तो इधर एक अलग मेगा रैम चालू हो जाता है। तो मेगा रैम की कमी नहीं है अब इसमें, है ना, पहले बहुत सारे मेगा रैम थे लेकिन अब एक ही चैलेंज है मेगा रैम के नाम पे। तो गाइस इतना ही है इस सिटी में। तो अच्छा कार भी खड़ी है इधर, शायद से हम ये चला सकते होंगे। चलो चलो चलो। ये कार तो एक डमी पीस निकला गाइस, क्योंकि इसपे ऑप्शन ही नहीं आ रहा है अंदर बैठने का, ये सिर्फ रखी है ऐसे ही। और इस वर्जन में हम लोग वर्ल्ड के बाहर भी नहीं निकल सकते थे, यहाँ पे बाउंड्रीज लगी थी। अभी क्या करते हैं हम लोग, पानी में जाते हैं, वॉइड में चले जाते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो ये है उसका अगला वर्जन जिसका नंबर है 3। तो ये गाइस इस पे देखो पूरा हमारा स्पॉन पॉइंट अलग हो चुका था, ठीक है। ये बाइक का भी कलर थोड़ा चेंज हो गया और थोड़ी अच्छी लग रही है, और वर्ल्ड भी शायद से चेंज किया होगा या तो हमारा घर ही चेंज कर दिया गया है। उसके बाद हमारे हाथ में आ जाता है अब फोन, और फोन में लेकिन कोई भी ऑप्शन अब खुलता नहीं है ना, ये धीरे धीरे ही अपग्रेड होगा। अब हम लोग यार चीट कोड लगा के देखते हैं, क्योंकि हमें अभी कोई आइडिया नहीं है कि इसमें कौन सी चीट कोड आई थी गाइस, इसलिए थोड़ी बहुत बेसिक वाली चीट कोड लगा के देख लेते अगर कुछ भी स्पॉन होता है तो। लेकिन अभी तक कुछ स्पॉन नहीं हुआ है, तो मुझे नहीं लगता फिर कुछ भी आया होगा, या तो आया भी होगा तो हमें नहीं मालूम कि कौन सी गाड़ी आई थी अभी। तो ये है इसका अगला वर्जन जिसका नंबर है 4 गाइस, और इसमें आप देख सकते हो हमें फाइनली मिल चुकी है हमारी ड्यूक, और सामने से आपको NPC व्हीकल्स भी देखने को मिलेंगी ट्रैफिक में। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि इसके अंदर कोई बैठा नहीं, क्योंकि NPC अभी आया है नहीं, तो सिर्फ ऐसी रैंडम ट्रैफिक कार से ये, देखते क्या हम लोग इसके अंदर बैठ सकते हैं क्या। ये तो आगे निकल गई, किसी गाड़ी को रोकते हैं, रुक जा क्या, ठीक है यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन आ रहा है कि नहीं। नहीं गाइस अभी आपको ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा है, और ये गाड़ी भी सब मुझे सेम ही लग रही है वरना टाइप की, सारी सेम है। और अब इस पे हम चीट कोड लगा के देखते हैं किसी भी KTM बाइक की, तो चीट कोड्स चालू हो चुकी है। हमारी जो ड्यूक वाली बाइक थी ना ये आना चालू हो चुकी है। अच्छा स्काईफॉल भी आ गया था, सही है गाइस। तो काफ़ी चीट कोड यहाँ पे आ चुकी थी, और आप हमारा वर्ल्ड भी देख सकते हो ऊपर से कैसा दिखता था, क्योंकि अभी भी हम लोग वर्ल्ड के बाहर नहीं जा सकते हैं। मगर क्यों? तो ये है नंबर 5 का वर्जन, और इसमें पूरा घर और कैरेक्टर चेंज कर दिया है। ये हमारा न्यू कैरेक्टर आ चुका है, लेकिन इसने अभी नेकलेस डाल के रखी है छपरी जैसे, थैंक्स। पता नहीं चश्मे, ये सब गोल्ड की ब्रेसलेट और नेकलेस क्यों डाली है इसने, बहुत पैसा है अपने पास। और घर जो है गाइस, हमारी एक फोटो आती थी पिछले वर्जन तक, आपने देखी होगी, ये उसी घर की फोटो है जितना मेरे को याद है। और ये घर काफी ज्यादा बड़ा है भाई, इससे मालूम चलता है कि पहले हम लोग बहुत अमीर थे भाई, बहुत अमीर थे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी नेकलेस सब गोल्ड की भाई, घर पूरा इतना बड़ा, उसके बाद इसको क्या हो गया, ऐसा क्या हुआ इसकी स्टोरी में कि ये गरीब हो गया यार। ओ चूना लगा दिया, मतलब इतना बड़ा घर आप देख रहे हो, ये सिर्फ ग्राउंड फ्लोर है, अभी तो मैं ऊपर वाले फ्लोर में गया भी नहीं हूँ, सीढ़ी दी रखी है भाई, ऊपर वाले फ्लोर में चलते हैं। देखो डबल सीढ़ी यार, कितना पैसा है यहाँ पे, ऊपर और 4 कमरे, ये लो ये एक लिविंग रूम हो गया, ठीक है। ये पूरा अच्छा सा ही लग रहा है ये, मतलब ऐसा कोई गरीब बंदा नहीं लग रहा है ये। ये एक और मास्टर बेडरूम कितना बड़ा है, और यहाँ पे एक कमरा है टॉयलेट के लिए, यार यार इतना अमीर था ये। और ऊपर एक और फ्लोर, यार ये तो टेक्निकल गुरुजी को पीछे छोड़ रहा है ये, कितना अमीर है। पूछा किसी ने,
पूछा किसी ने? अच्छा ये लास्ट है, इसमें कोई कमरे नहीं है, इसमें बस एक स्टूल और टेबल रखी है। अब चलो बाहर का देखते हैं, बाहर क्या चेंज हुआ है। तो बाहर तो कुछ खास चेंज लग नहीं रहा है। अच्छा हमारे पास अब ऑप्शन जरूर आ चुका है, गन का ऑप्शन आ चुका है इस वर्जन में। और हमारे पास दो गन है, एक पिस्तल और एक AKM। और पिस्तल का चलाने का थोड़ा तरीका कैजुअल लग रहा है। और गाड़ी तो बिल्कुल रैंडम है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि गाड़ी पे गोली मारेंगे तो ये फटेगी कि नहीं। तो गाड़ी भी अभी स्टील की है, ये फटेगी नहीं। आपका फोन जरूर फट जाएगा गर्म होके, लेकिन गाड़ी नहीं फटेगी। तो ये है उसका अगला वर्जन जिसका नंबर है 7। और इसमें घर थोड़ा चेंज कर दिया गया है शायद से। पहले काफी अमीर था बंदा, इसके हाथ से भाई नेकलेस गोल्ड ब्रेसलेट सब छीन ली गई है। ठीक है पूरा इसको गरीब कर दिया गया है और घर भी छीन लिया है। भाई ये ऊपर का फ्लोर कहाँ गया, इसके ऊपर का फ्लोर ही खाली कर दिया, लगता है इसको मकान शिफ्ट करना पड़ गया। शिट। और बाहर आते हैं और ये क्या है, यहाँ पे कुछ NPC घूम रहे हैं जो कि ये खुद यही बंदा है। यार ये भी थे क्या इसमें? भाई ये देखो गाइस, इसके जैसे दिखने वाले थे सारे NPC पहले, और इससे ज्यादा तगड़े ही है। मतलब किसी को मार नहीं सकता ये, अगर इसने मारा ना ये उल्टा पिटेगा। और सिर्फ इसी जगह पे घूम रही है NPC, और कहीं नहीं घूम रहे। यही 3-4 NPC है जो हमारे घर के पास घूमते थे, शायद से हो सकता है ये इसी के आदमी हो। गोली मार के देखते हैं इनको। अरे एक ही गोली मर गए तो अच्छा, तो ये एक ही गोली में मर जाते थे पहले। और सिटी में एक पार्क भी ऐड हो चुका है, जैसे अभी हमारे में एक पार्क है आपने देखा होगा गोल वाला, वैसा एक पार्क यहाँ पे ऐड हो चुका था। और इसमें झूले वूले तो अभी भी नहीं है ना पहले थे, लेकिन ये एक स्टंट करने के लिए जरूर बनाया गया है। तो ये है उसका अगला वर्जन 8। और इसमें हमारी जो अभी की सिटी ना ये ऐड हो चुकी है, जो पुरानी सिटी थी वो हटा दी, पहले कैरेक्टर हटाया फिर सिटी हटाई। और अगर आप रोड पे देखोगे ना तो आपको वैगन आर कार घूमते हुए दिखेगी, सारी यहाँ पे वैगन आर दिख रही है, लेकिन वैगन आर अभी नहीं है, तो हो सकता है वो हटा दी थी। और ये जो ड्यूक है ये भी चेंज कर दी गई है, तो गाइस वैगन आर भी खाली चल रही है अंदर। अभी देखो कोई NPC बैठा ही नहीं है इसमें, तो ये ऐसी चल रही है। देखते क्या हम इसको चला सकते हैं, क्योंकि यार अंदर का दिख रहा है, पहले दिखता नहीं था। हाँ तो अब ऑप्शन आ चुका है, अब आप छीन सकते हो। वैसे किससे छीन रहे हैं ये नहीं मालूम, लेकिन आप छीन सकते हो और चला भी सकते हो वैगन आर को। और हमारा जो सेंट्रल पार्क है ना ये सर्कल वाला, ये अब भी जो है ये वही है, ये ऐड कर दिया गया है, इसको थोड़ा और अच्छा कर दिया है अब। और हमारी सिटी ये देखो, ये जो एक रैंप रहता है एयरपोर्ट के पास वाला, ये वही रैंप लग रहा है मुझे। पहले ज्यादा पेड़ लगे थे लेकिन इसलिए हटा दिए गए होंगे, क्योंकि फिर गाड़ी चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा आगे एक अलग सिटी रेंडर हो चुकी है, ओके तो अभी मुझे समझ में आएगा। इस पहले सिटी बहुत बड़ी थी लेकिन ये ना कम कर दिए, कम क्यों करी मुझे ये नहीं मालूम, शायद से सबके फोन में रेंडर नहीं होता होगा, लैग होता होगा। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है, अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, यूट्यूब पर कोई कॉमेडी वीडियो देख लेता हूँ। ये सिटी खत्म हो गई, फिर देखो एक और सिटी आगे चालू हो गई, शायद रिपीट होते जाएगी क्या। ये बिल्डिंग तो अभी है, मैंने देखी है रैम के पीछे एयरपोर्ट के पास में एक छोटी बिल्डिंग रहती है, ये वही लग रही है। पहले सिटी बहुत ज्यादा बड़ी थी यार। अच्छा बीच आ गया है, बीच ओके बीच में आ चुके हम लोग, तो देखते क्या हम लोग वॉइड में जा पाते कि नहीं। पानी का कलर भी काफी अलग लग रहा है यार, और शायद यहाँ से सूरज आ रहा है इसलिए कुछ दिख ही नहीं रहा, पूरा सफ़ेद हो रहा है। देखते पानी के अंदर जाके। अच्छा अभी ये बंदा तैर ही नहीं पाता था। और हमारे घर के पीछे ये वाला रैंप है, ये जो पानी के पास रहता है ना ट्रेन के पास, वो है। और ये एक मल्टी लेवल पार्किंग है, और मुझे तो ये वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है, लेकिन इसमें ज़्यादा गाड़ी पार्क नहीं हो सकती, सही बात है। लेकिन ये पहले वाली थी, अभी वाली आपने एयरपोर्ट में देखी होगी ना मल्टी लेवल पार्किंग, वो वाली है। तो ये है उसका अगला वर्जन नंबर 9। और इसमें अब हम स्पॉन हो रहे हैं बेड के पास, घर तो वही लग रहा है मुझे, नहीं घर शायद से। हाँ अबे ये कहाँ से घुसाया ये NPC, पहले घर में घुस जाते थे भाई, ये चोर थे पहले। अच्छा फाइटिंग स्टाइल भी थोड़ा अलग है, इसका साउंड भी थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये NPC आ चुके हमारे अभी करंट वाले, बस ये क्या घर में घुस जाते हैं भाई चोरों की तरह, गया ये। ठीक है इसको तो मार दिया, आगे चल के देखते हैं और क्या चेंज हुआ है। NPC अब गाड़ी चला रहा है क्या? ने अभी भी खाली गाड़ी चल रही है। अच्छा शायद से पहले चीट कोड डालने से ना NPC स्पॉन हो जाते थे, 1 डालोगे तो बॉय और 2 डालोगे तो गर्ल, हाँ देखा, और 3 डालेंगे तो खत्म। इनको गोली मार के देखते। अच्छा अभी भी एक ही गोली में मरते हैं क्या ये? वो तो एक ही में चली गई भाई, ये भी निकल लिया। अभी शायद बुलेट का वो भी आता है ना, पहले आ रहा है, मतलब अभी नहीं आता है। अच्छा अभी भी जिंदा है क्या?
मरी नहीं, मर मर मर। अरे बात कर रहा भाई। अरे ये कहाँ से है? नमस्ते भाई, इसको क्या हो गया? ये अचानक से कैसे आ गया है मेरे पे? मुझे तो लगा था कि इसको मैंने मार दिया, ये तो अलग ही जोश में है भाई, इसका जोश ठंडा करना पड़ेगा। तो करना, चल निकल। अरे गोली नहीं लग रही। गया 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 यार, बहुत ज्यादा ढीठ है यार ये। मरा कि नहीं, जिंदा तो नहीं अभी तक? यार हम लोग रिस्क ले नहीं सकते। मर गया ना? नहीं। फिर इधर हमारे जो मेगा रैंप के चैलेंज है वो ऐड हो चुके हैं, ठीक है? पहले नहीं थे ना, पहले थे फिर हटा दिए, फिर यहाँ पे ऐड हो चुके। और ये वही है जो अभी है ना हमारा, ये वही है, बस अभी वाले में शायद कलर वलर अलग होंगे, लेकिन सेम है, पूरा सेम है, देख लो। फिर ये है हमारा आज का लास्ट और 10th वर्जन, और इसमें थोड़े शेडोज बढ़ा दिए है ना, और बाहर एक बाइक भी खड़ी है। तो ये वाले में ना डिटेलिंग ग्राफिक्स में काम किया गया है गाइस, अलग ही दिख रहा है क्योंकि शेडो दिख रही है अब, लेकिन थोड़ी सी ज्यादा है, मतलब थोड़ी क्या, बहुत ज्यादा है। चश्मा भी चेंज हो चुका है इसका, ये अभी देख रहा हूं मैं। तो ये थे गाइस हमारे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के सबसे पहले 10 वर्जन। और अगर आपको और आगे के 10 वर्जन देख रहे हैं तो कमेंट कर देना Part 2, जिसमें हम आगे के वर्जन भी देखेंगे। वीडियो को लाइक कर दो, और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो ऐसी इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की वीडियोस देखने के लिए। और अगर मेरी पिछली वीडियो देखनी हो इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, देख लो दबा के।